क्यों अंतरिक्ष में बोर अब केवल हॉलीवुड फिक्शन नहीं रहा। विशेषज्ञों ने कुछ समय के लिए चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में युद्ध केवल हॉलीवुड फिक्शन नहीं है। अमेरिकी खुफिया समुदाय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत भी अब अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस का नाम इस सूची में था। चीन ने 2007 में जनवरी में एक अंतर्राष्ट्रीय हंगामे का कारण बना जब उसने अपने स्वयं के उपग्रहों में से एक को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई ने अंतरिक्ष में खतरनाक मलबे के सैकड़ों टुकड़े छोड़ दिए और अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ की संभावना पर अलार्म बजा दिया। एक महीने बाद बीजिंग ने घोषणा की वह आगे भी इस तरह के परीक्षणों की योजना नहीं बनाएगा। लेकिन 11 जनवरी के परीक्षण ने पहले से ही चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती प्रगति और साथ ही युद्ध की स्थिति में उपग्रह निगरानी से खुद को बचाने की क्षमता को स्थापित कर दिया था। एक एंटी सैटेलाइट हथियार सैटेलाइटों को नष्ट या बाधित करने की क्षमता रखता है जिससे खुफिया जानकारी एकत्रित करने की किसी भी देश की क्षमता बाधित होती है। ये हथियार हवा, जमीन या समुंदर पर आधारित हो सकते हैं। अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ द्वारा दुनिया का पहला उपग्रह स्पूतनिक लॉन्च करने के बाद एंटी सैटेलाइट सिस्टम पर शोध शुरू हुआ। 1980 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने उपग्रह विरोधी मिसाइल परीक्षण किए। 1967 की संयुक्त राष्ट्र संधि में इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगाया गया। अमेरिका ने 1985 में अपना अंतिम परीक्षण किया जिसमें लगभग 350 मील की ऊंचाई पर एक उपग्रह को नष्ट कर दिया गया। जनवरी 2007 में चीन एक सफल परीक्षण करने वाला तीसरा देश बन गया जब उसने 530 मील से अधिक की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया जो कि अमेरिकी और जापानी कल्पना खुफिया उपग्रहों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊंचाई थी। परीक्षण के बाद वैश्विक आलोचकों को जवाब देने में चीन की देरी ने बीजिंग के इरादे पर संदेह पैदा किया। अटकलें इस बात पर लगी कि परीक्षण के समय ने नागरिक, सरकार और चीन की सेना के नेतृत्व के बीच गलत संचार का संकेत दिया था या नहीं। सेंटर फॉर डिफेंस इंफॉर्मेशन CDI के एक शोध विश्लेषक विक्टोरिया के अनुसार पिछली 3 असफल कोशिशों को देखते हुए हो सकता है कि उन्हें काम करने की उम्मीद नहीं थी और इसलिए वे सफल होने पर अनजान थे। एक असेट हथियार का उपयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन करके चीन अपने पड़ोसियों और दुनिया के लिए अंतरिक्ष में अपनी बढ़ती सेना को दिखा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी दृष्टिकोण से उपग्रहों को नष्ट करने की चीन की क्षमता का मतलब है कि यह एक अमेरिकी सैन्य कमजोरी को लक्षित कर सकता है। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका को मनाने के अपने लंबे प्रयासों में बीजिंग मास्को के साथ शामिल हुए। दोनों राष्ट्रों ने 2002 में जिनेवा में प्रस्तुत एक रूपरेखा का मसौदा तैयार किया था जिसने सुर्खियां बटोरी थी।